गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज बहुत बैड न्यूज़ है कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरी अब वीडियो आएगी 1 अक्टूबर के बाद। तो अब मेरी वीडियो आएगी 1 अक्टूबर के बाद। अब फिर मम्मी बनाएंगे, वो भी कभी कभार ही आएगी। जो अब वीडियो आएगी ना, वो मम्मी बनाएगी, मम्मी की है, तो प्लीज़ पूरी देखिएगा। और मम्मी ने ही एंड किया, और एंड में मैंने थोड़ी बोल दिया और मम्मी वो बहुत सो रही हैं। अबे मम्मा वीडियो बना के सो रहे हैं। चलो अब चलते हैं, मम्मा की वीडियो देखिए आप। तो अब हम बनाएंगे नाश्ता भी, लंच भी, जाएंगे ऑफिस तो लंच भी लेके जाएंगे और हमारा नाश्ता भी बनेगा। प्याज हमारे हैं जो जैसे मुझे चाहिए वैसे हो। टमाटर कितने महंगे हो गए हैं, टमाटर आपको पता 70 रुपये, 80 रुपये ऐसे। तो मैंने तो एक ही डाला है, बस काट के। हमारे घर में बच्चे लहसुन नहीं, लहसुन कह रहे टमाटर और मिर्ची कटी हुई नहीं खाते, तो मुझे थोड़ा सा इसमें ना मिर्ची में क्रश करना पड़ता है। मैं बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सब्ज़ी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी इसमें। तो हमारे घर का श्राद्ध और कल फिर श्राद्ध है हमारे घर में, दो तो पूरी बनाई थी। कल एकादशी थी, एकादशी पे खीर वगैरह बनाते ही हैं।
तो इसलिए मैंने बनाई थी, हलवा बनाया था, मेरी सास का था, मम्मी का भी था मेरी और सास का, मम्मी का तो मैं करूँगी नहीं, मेरी सास का कह रहा हूँ काछी को भी बनाते हैं, मेरे बनाए थे वो हलवा, हलवा पूरी छोले, तो छोले जो हमने पूरी बनाई थी उसका तेल बट गया था, तो खुद तो कढ़ाई में रखा है, कुछ मैंने गर्मी में निकाल दिया था, ये तेल मैंने इसमें यूज़ किया, तो कहते हैं फ्राई किया हुआ तेल यूज ही करते हैं, तो मैं तो कर लेती हूँ। ये हो गए हैं हमारा प्याज, देखो सब्जी बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, तो बनती वैसे ही है, टेस्ट वही आता है, बस किसी में मिर्च कम हो जाती है, किसी में कुछ हो जाता है, बच्चे मिर्ची तो खाते ही है, हल्दी नमक मिर्च थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देती हूँ, बच्चे खाएंगे नहीं, ये तीखी वाली लाल मिर्ची, इसमें मैं डालूंगी आलू, मैंने धो के काट के धो के टोकरी में रख दिए, तो मुझे पानी निकल गया, पहले मैं इसमें आलू डालू, थोड़ा सा आलू डाल, कल हमारा शाम 10:30 बजे तक हम फ्री हो गए थे, खुद भी खाना खा के फ्री हो गए थे, और आज देखो आज मैं उठी थी सुबह 5 बजे, 5 बजे उठ के मैंने सोचा अरे बाहर क्या करूँ, थोड़ा सा ना मैं घूम लेती हूँ हमारे बाहर सड़क पे, तो मैंने सोचा मैं घूमूंगी, मुझे पहले डर लगता है क्योंकि गली में कोई नहीं होता, तो इसलिए मैं जब गई थी तो फिर मैं अंदर ही लेती रही, फिर मैंने उठी मैं, फिर मैं वॉशरूम गई, पानी पिया वॉशरूम जाकर, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया वो गायत्री मंत्र, मैं टीवी में चला देती हूँ सुबह, तो मैंने गायत्री मंत्र चलाया, फिर थोड़ा सा जैसे 6 बज गए, मैंने देखी फिर भी मैंने किसी की खिड़की से यहाँ से तो रोशनी हो गई है, तो फिर मैं बाहर गई गेट बुक का लॉक करना खोल के, फिर मैं बाहर टहलने गई, तो फिर मुझे ट्रेन मिली हमारे पड़ोस में ही है जहाँ बच्चे ट्यूशन पर जाते हैं, उसके पास गई, तो फिर हम दोनों सब चक्कर लगाने लगे, तो सुबह एरी है ना पता नहीं क्यों एरियो में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, एरियो में दर्द और काम कर लिया दर्द, जैसे खड़ी हूँ ना और होता है, इसको भी ढक देंगे, ढकने के बाद पैन को करती हूँ थोड़ा साफ, Thank you.
चलो जी, सब्जी हमारी बन गई है। ये करते हैं, चलो सब्जी हमारी बन गई है। ये देखिए, आपको दूर से दिख नहीं रही होगी, कैमरे में कुछ और कलर आ रहा है। सब्जी हमारी बन गई है, अब हम बना रहे हैं रोटी। कैमरे को रख लेते हैं इस साइड। सब्जी बनाई मैंने, थोड़े से बर्तन रखे थे, बोल साफ किए, आटा बनाया। आटा मैंने डब्बे में नहीं डाला, इसी में छोड़ दिया। तो अब हम बनाते हैं रोटी। बाहर जब भी मैं सुबह रोटी बनाना शुरू होती हूँ तभी कूड़े वाला या बना रही होती हूँ, कूड़े वाला आ जाता है। अब कूड़े वाले की आवाज़ आ गई, फिर से मुझे अब जाना पड़ेगा कूड़ा डालने के लिए। इसके पापा नहा रहे हैं और मुझे जो है उसका टेस्ट है, वो टेस्ट दे रहा है अपना। और दिया तो डाल ही नहीं सकती, छोटी है अभी, मुझे फिर से जाना पड़ेगा बाहर। गर्मी में कितनी जल्दी आटा पतला हो जाता है ना। जाना पड़ेगा बाहर वो डालने के लिए, कूड़ा डालने के लिए, फिर से हाथ धोने पड़ेंगे फिर से। हेलो गाइस, लो फिर मैंने सोचा चलो हम आपसे बात कर लेते हैं। आज हमने आपसे बात नहीं की, सुबह जल्दी जल्दी बस ऐसे ही नाश्ता वाश्ता लंच सब तैयार कर दिया और मैं गई थी अभी मार्केट में। मुझे पता क्या होता है, मैं ऐसे बीच में देखती हूँ और मुझे कैमरे को देखना चाहिए। अगर मैं बीच में देख रही हूँ तो मेरी आंखें टेढ़ी आएंगी, बहेंगी, ऐसे लग रहा है कि मैं साइड में किसी से बात कर रही हूँ। और कैमरे में बात करो तो ऐसे लगता है कि हाँ हमसे बात कर रही है, यानी कि आप लोगों से, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को देख रही हूँ, ऐसा लगेगा। तो आज मैं अभी मार्केट जाके आई हूँ, मतलब हमारे यहीं पे मार्केट है। तो मैंने एक रेडीमेड सूट लिया था, उस पर लगी थी लाइनिंग सिंथेटिक वाली, जो दूसरा एक कपड़ा सा होता है वो पता नहीं कैसा। तो मैंने वो पूरा उधेड़ दिया है, एक दिन मैंने उधेड़ा, फिर इसको प्रेस की, प्रेस करने के बाद फिर मैंने उसको, आज मैं उसके लिए लाइनिंग लेके आई हूँ, फिर मैं उसको दोबारा से सी लूँगी। और पहले भी मैंने उसकी फिटिंग विटिंग दोबारा की थी सारा कुछ, और अब फिर मैं उसको धो के लाइनिंग को सी लूँगी और करूँगी सूट तैयार। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ सूट, सूट में मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगता, टी शर्टों में लगता है, पता नहीं क्यों मैं टी शर्ट और यही ढूंढती रहती हूँ। और टी शर्ट अच्छी लगती है, और गर्मी, बाप रे इतनी गर्मी हो रखी है ना, हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। पता नहीं अब की बार क्या होगा, ऊपर से कोरोना, गर्मी, और हमारे सामने वाली लाइन में तो इतने सारे कोरोना के मरीज आ रहे हैं। तो चश्मा पहनो ना तो यहाँ पर पसीना आता है, यहाँ पर हमें नोज़ पर मेरे नोज़ पर निशान भी पड़े होंगे, चश्मे के निशान यहाँ पे मुझे, ये देखो ये पड़ गया निशान यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे रखना चाहिए, ऐसे ऐसे करके तो ऊपर से दिखता है। फिर अगर अब ऐसे देखो तो फिर मैं ऐसे ही करके रखती हूँ, अगर मैंने कुछ बात करनी है तो मैं ऐसे करके बात करती हूँ, अगर मुझे कुछ सूट सिल रही हूँ तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे रखती हूँ। मेरी तो आज है ना कमर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द, और पता नहीं मुझे लगता है मेरे कैल्शियम की कमी है। एक मैं बाल बहुत टूट रहे, देखना कैसे कैसे हो जा रही हूँ, गंजी यहाँ से बहुत टूट रहे हैं बाल, इधर करो तो इधर से गंजे, इधर से करो तो इधर से गंजे, पता नहीं क्यों बाल बहुत टूट रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंदर है ना कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी हो गई है। मैं दूध दही कुछ नहीं खाती पीती तो इस करके, और ये बच्चों ने है ना, कोई बोल नहीं सकता कि हमारे घर में सफाई हुई है, जड़ पोछा हो चुका है सब कुछ। और बस मेरी बेटी को, पता क्या मेरी बेटी को तो एक कुत्ते का बच्चा लेना है, बोलती रहती है मम्मी मुझे पप्पी लेना है, मुझे पप्पी लेना है। पप्पी कहाँ से लाएं पप्पी, और कौन सा पप्पी, लेब्रा, लेब्रा ही होता है शायद, लेब्रा चॉकलेटी कलर वाला, ब्राउन कलर वो चाहिए, जिसकी नोजी भी ब्राउन, आइज भी ब्राउन, वो वाला चाहिए उसे, डोगी। और
बस और क्या बताऊँ मैं आपको, सोचती तो हूँ मैं बहुत सारी बातें करूँगी आपसे, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता कैमरे के सामने आके, मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मुझे क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं। तो अगर मेरी कोई वीडियो में गलती हो, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे नहीं हूँ, मुझे नहीं पता अभी अच्छे से कैसे वीडियो बनानी है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आप मुझे प्लीज़ सुझाव देना, बताना कि मेरी वीडियो में कहाँ पे गलती है, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे कैसे ये वो करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। पसीना आ गया, यहाँ पे निशान पड़ गया। अच्छा लगेगा आप मुझे बताना। उतार देती हूँ चश्मा उतार देती हूँ, निशान पड़ गए। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो निशान पड़े, यहाँ पे ना गिला गिला से लगने लग जाता है। चश्मा पहन के, चश्मा मेरा दूसरा है, ये बड़ा भारी सा मोटा सा चश्मा लगता है, इसका फ्रेम है ना यहाँ से भारी सा है, दूसरा चश्मा है एक मेरा, उसका पता भी नहीं चलता मैंने पहना है कि नहीं पहना, वो सिर्फ यहाँ से ही है, सही है। वो मेरा टूट गया, वो मेरा बहुत साल चला, वो जो ऐसा था उसको ऐसे ही कर दो टूप भी टूटता नहीं था। जब मेरी बेटी दिया थी तब छोटी थी, तब से मैंने वो लिया था, और अब बेटे कहता मम्मी ऐसे ये टूटता नहीं है, मन के नहीं टूटता, इसने पता नहीं कैसे यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से फिर वो जुड़ेगा नहीं। ये देखो ये आई, मुझे स्लाइम चाहिए। क्या चाहिए? स्लाइम और पप्पी, चॉकलेट वाला, चॉकलेट वाला पप्पी। आप लोगों के पास, किसी के पास दिया के लिए चॉकलेट वाला पप्पी हो तो प्लीज़ हमें भेज दीजिएगा, कांटेक्ट करिएगा, हम फिर ले लेंगे। और मुझे स्लाइम भी चाहिए साथ में। स्लाइम भी चाहिए, स्लाइम तो यहीं पे मिल जाएगा। और लेकिन थर्मामीटर को दिखा देना आप। थर्मामीटर को लो जी। तो गाइस अब मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी थोड़े दिनों तक, क्योंकि मेरे थोड़े टेस्ट चल रहे हैं ऑनलाइन, मेरे आएंगे 1 अक्टूबर के बाद मेरी वीडियो आएगी। तो मैंने ना कैमरा सीधा मिलेंगे पकड़ा है, अब सीधा मिलेंगे 1 अक्टूबर के बाद। ओए ये मेरे ऊपर ही सारे जन दिया देखो, और साथ में बाद में मिलेंगे, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को कभी ना भूलिए। और मेरी बेटी की बातें सुननी है, बोलते को हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ कभी शेयर करना मत भूलना। देखा मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से बोलती है, उसकी बातें तो आप मानोगे ना। ये मेरी मशीन दिख रही है, मशीन और ऊपर मेरा टेबल रखा है, मशीन के ऊपर टेबल दिया ना बेटा, वो गिर गया, क्या गिरा है। चलो तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड, फिर कल फिर मिलते हैं। कल फिर मिलेंगे स्लाइम बनाने के बाद एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली।